शोल्डर कर ले भाई 17.5 हाथ ऊपर कीजिए। अरे कीजिए ना। सीना लिख ले भाई 35, नहीं 34। 34 की 35। सर थोड़ा फुलाइए फुलाइए फुलाइए। 34.5 लिख ले। हाँ बेटे। पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा। सीना 40 कर दो। हाँ? जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, SSC जैसे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग दीप्ति। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, भारत, रुद्रा, शुभांकर, डीके सिंह, भोलू, राज कौशिक, राजीव कुमार और बाकी उन सभी को जिनके नाम मैं नहीं बोल पा रही। गुड मॉर्निंग। राम राम। राधे राधे। बच्चे जल्दी से बताओ एम आई ऑडिबल? विजिबल? ऑडिबल? बहुत आवाज़ अच्छे से आ रही है सबको? यस फाइन मैम एंड यू। मैम इज ऑल्सो फाइन। तो राम राम आप सभी को। ठीक है सॉरी लेट हो गया। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इशू चल रहा था। मैम टाइम पे थी बट थोड़ा सा इशू हो गया। बट कोई नहीं जल्दी से जुड़ जाओ। राम राम। जय श्री राम। जय माता दी। जय हिंद। और आओ शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है जल्दी से जुड़ जाओ। यस मैम जी। यस मैम जी। बहुत क्लियर। जल्दी 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 से उठा लो अपने यार दोस्तों को जो जहां बैठा है। क्या हम दिखाई दे रहे हैं? क्या हम अच्छे से सुनाई दे रहे हैं? कह रहे बिल्कुल दे रहे हैं मैम, सुनाई भी दिखाई भी। जय भीम। जय संविधान। सबकी जय भाई, सबकी जय। जिसने जो महान काम किए हैं जिंदगी में सबकी जय। तुम लोगों की भी करेंगे बहुत जल्दी जय। यस ठीक है तो जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट। और जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं, जो आज पहली बार आए हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो फटाफट। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो यदि आप चाहते हैं कि डेली प्रतिदिन हमसे भूगोल पढ़ें। इफ़ यू वांट कि आप डेली ज्योग्राफी मेरे से पढ़ें। मैम इतिहास गवाह है कि आज तक क्लास टाइम पे शुरू नहीं हुई। कल से मैं और 5 मिनट जल्दी आऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इतिहास बदला जाए, पढ़ा ना जाए, इतिहास बदला जाए। तो ये कोशिश की जाएगी ठीक है। और जो भी बच्चे आज हमारी क्लास में नए हैं उनको बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सी दीवार है ये, जल्दी से बताओ। जो आज क्लास में पहली बार आए हैं उनको बताएंगे मेरे क्लास के प्यारे बच्चे जिनको पता है ये हमारे सपनों के महल की दीवार, दुनिया की सबसे सुंदर दीवार। मैम क्लासेस का टाइम टेबल क्या है? ठीक है फाउंडेशन कोर्स की फैकल्टी के बारे में बता दो। देखो क्लासेस का टाइमिंग, मेरी क्लासेस का टाइमिंग है सुबह 11 बजे होगी ज्योग्राफी की क्लास यानी भूगोल की, 3 बजे होगी मैप की और शाम को 5:30 बजे होगी एनवायरनमेंट की यानी कि पर्यावरण की। ठीक है लबासना की जन्नत की है दुनिया की सबसे खूबसूरत दीवार। यस और यहाँ पे हम सबको जाके सेल्फी खिंचवानी है फटाफट से। ठीक है और आज का मोटिवेशन कोट क्या है ताकि क्लास में आप लोग छा जाओ, पागलों की तरह पढ़ दो। तो कोट है याद रखना। क्या याद रखना है? कि एक रात पहले जो हम पढ़ते थे ना ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, ग्रेजुएशन में, 8वीं 10वीं में, उससे पढ़ के सिर्फ और सिर्फ उत्तीर्ण हुआ जा सकता है, परीक्षा पास की जा सकती है, परीक्षा में प्रथम नहीं आ सकते। ठीक है यदि तुम्हें टॉप करना है जो कि हम तुम सबको करना है
जो कि तुम सबको करना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब एक दिन पहले पढ़ के पास वाली हरकतें ना करो, ठीक है? और अच्छे से पढ़ेंगे और हम परीक्षा क्या करेंगे, ना सिर्फ उत्तीर्ण प्लस ऑल इंडिया रैंक वन, क्या लानी है, ऑल इंडिया रैंक वन. लबासना इज सिमिलर टू माई नेम, व्हाट इज योर नेम बच्चे, जल्दी से जल्दी फटाफट जुड़ जाओ यार, फिर बाद में बोलोगे मैम हम लेट हो गए क्लास में, ऐसे ना किया करो. हाय मैम, हाय, हेलो. अच्छा एक अभी बताओ, सबको पीडीएफ मिल गई है ग्रुप पे, जिन बच्चों को पीडीएफ में दिक्कत थी? व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स टू रिमेंबर इन ज्योग्राफी, रिमेंबर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी याद रखनी है जो हम पढ़ाएंगे. बच्चे फालतू तो पढ़ाऊंगी नहीं, टाइम ही नहीं है फालतू पढ़ने का, तो ना मेरे पास ना तुम्हारे पास. यहाँ जो पढ़ाऊंगी वो सब याद रखना है, और बहुत ही लिमिटेड पढ़ाऊंगी, बट वो पढ़ाऊंगी जहाँ यूपीएससी पूछती है, ठीक है? गुड मॉर्निंग सोनी, सुवजीत, गुड मॉर्निंग सभी को. चलो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते. पहले ही क्लास थोड़ी सी लेट थी, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे. कर दी भाई शुरू, कर दी, ठीक है? चलो उससे पहले दो चीज़ें जो पिछली क्लास में थोड़ी सी रह गई थी. हेलो हेलो अमरजीत, ठीक है? तो अब चलो जल्दी से शुरू करते हैं. तो पहले बताओ हाउ इज़ द जोश, कैसा है जोश, कर दें? चलो फिर, जोश तो मुझे पता है तुम लोगों का हाई रहता है, जोश के मामले में तो तुम. मैडम दो मिनट लेट क्या हो गई, मैडम आ जाओ, कहाँ रह गई आप, हेलो हेलो है? तो चलो अच्छी बात है, चलो करते हैं फिर, शुरू करते हैं. तो एक चीज़ और देखनी है, फिर से बता रही हूँ, ये जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं शुरू के एक दो क्लास में, इन्हें हम दोबारा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे. अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अब जो अगला हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी जो अभी आने वाला है वो आपको समझ में आए, उसके थोड़े से बेसिक्स के लिए हम ये वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं, आओ फटाफट. तो हमें देखनी है दो चीज़ें, एक तो होते हैं लैटिट्यूड्स और एक होते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ये बन क्या है, क्या क्या यूज़ है, ये तो हम बाद में देखेंगे, बस आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है. एक होते हैं लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं, और एक होते हैं लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतरीय रेखाएं, ठीक है? अक्षांश रेखाएं, तीनू यादव कह रहे हैं कि आज मेरे साथ ग्रुप वाले कोई लाइक नहीं करेगा क्लास, क्योंकि मैम अपने मैसेज का रिप्लाई नहीं करती गुड मॉर्निंग का. तुम्हें शर्म नहीं आती है, हरियाणा के होके ऐसी हरकतें करते हो, शर्म आती है तुम्हें थोड़ी बहुत तीनू यादव है? हरियाणा वाले तो इतने बड़े दिल के लोग होते हैं यार, है? गुड मॉर्निंग तीनू यादव, अब करो तीन बार लाइक, करो एक्स्ट्रा लाइक है. तुम थोड़ा सोचा करो, यदि मैं रिप्लाई करूंगी फिर तुम ही लोग कहोगे कि मैम आप क्लास में पढ़ाते नहीं हो, ठीक है? इतना प्यार से सुबह के सबको गुड मॉर्निंग करती हूँ, सबको जिस भाषा में समझ आता है उसी भाषा में पढ़ाती हूँ, और तुम लोग कहते हो कि मैम रिप्लाई नहीं करती. मैं एक एक का नाम लेते बैठूंगी तो बताओ पढ़ोगे कैसे? डिसाइड कर लो कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? और तुम तो हरियाणा के हो, एचआर कौन सा एचआर है बताओ, एचआर 26 या 36 या 55 क्या है बताओ, बताओ बताओ, हरियाणा के हो गए यार, ऐसी बात है, टीनू यादव जच नहीं रही, बताओ कहाँ से हो, जल्दी बताओ, अभी बताते हैं यार. अच्छा बच्चा है टीनू, बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में सारे रिप्लाई करता है ये लड़का है. चलो भाई अब कर देते हैं, चलो सब लोग करो भाई टीनू को राम राम नमस्ते गुड मॉर्निंग करो इसे. बच्चे इंस्टाग्राम आईडी है नहीं, क्योंकि मैम ने कभी बनाई नहीं, क्योंकि मैम को पढ़ाई करनी थी, ठीक है? बट कोई नहीं, हम बनाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? अरे आज ही स्टार्ट होगी क्लाइमेटोलॉजी क्लास. टीनू कहाँ चले गए यार, जवाब तो दो टीनू, तुम तो मेरे फेवरेट हो यार, हैं सेम एरिया से होगे तुम, ऐसी बातें करते हो. जल्दी बताओ कहाँ से हो. चलो तो आज की क्लास में हम देखेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. और मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ क्लास के बाद, सॉरी यदि किसी का नाम छूट जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जिस दिन आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा तो ये गुड मॉर्निंग तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगी. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेपर क्लियर करना, ठीक है? अच्छा चलो, तो लैटिट्यूड्स है अक्षांश रेखाएँ और ये है देशांतर रेखाएँ. क्या है? देशांतर रेखाएँ. तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है? तो ये हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं. कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक हैं, ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है धरती पे, ऐसी कोई लाइंस है नहीं, बट ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक लाइंस हैं,
ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ये धरती है, ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से पढ़ सकें अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इसे और अच्छे से पढ़ सकें, हमने कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, कुछ लाइंस हमने ऐसे ड्रॉ करी हैं जैसे वो लेटी हुई हैं, और कुछ हमने ऐसे ड्रॉ करी हैं जैसे वो खड़ी हुई हैं, ठीक है, जैसे वो क्या है, खड़ी हुई हैं, एज इफ दे आर स्टैंडिंग, जैसे वो खड़ी है, लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो लेटी हुई लाइन है, ये जो लाइनें हैं जो लेट रखी हैं, ये जो लाइन्स हैं जो लेट रखी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स यानी कि लेटा हुआ, यानी कि अक्षांश रेखाएं, कौन सी, अक्षांश, यानी कि कोई चीज जो लेटी हुई है बच्चे, ठीक है, लेटी हुई है। चलो दूसरी है लॉन्गिट्यूड्स, ये वाली जो लाइन्स हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। एचआर 36, शर्म नहीं आती, रेवाड़ी के होके ऐसी हरकतें करते हो, हैं टीनू, एचआर 36 के लोग ये हरकतें बहुत गलत बात है यार। चलो अब नमस्ते कर दी, अब तो लाइक कर दो, हैं अब कर दोगे लाइक, मैं भी देखो कौन सी गैंग है ये टीनू यादव की, गैंग बना के घूमते हैं यार, हद है। चलो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, तो ये है अक्षांश रेखाएं, ये है देशांतर रेखाएं, ये कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो देखो ये हमने इसलिए देखी थी, ये हमने क्यों ड्रॉ करी थी, एक बार थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं और फिर आगे देखेंगे, ठीक है। ये हमने इसलिए देखी थी, ठीक है, ताकि हमें मान लो किसी जगह की लोकेशन पता करनी है, जैसे यहाँ पे एक घर है, मान लो यहाँ पे एक घर है यहाँ पे, ठीक है, और मान लो कोई जगह यहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ पे दिल्ली है, मान लो यहाँ पे न्यूयॉर्क है, और कोई जगह है जो जैसे ये एक लाइन है, तो मान लो कोई जगह यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो जगहें हैं इनकी हमें लोकेशन पता करनी थी, इनका हमें एड्रेस पता होना चाहिए था, ठीक है, इनका हमें एड्रेस पता करना था, ठीक है। इसीलिए हमने ये लाइंस करी ड्रॉ, हमने ये लाइंस ड्रॉ करी ताकि हमें एड्रेस पता चले, क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की लोकेशन निकालने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए, दो पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यदि ये हमें दोनों पता होंगे तो हम उसकी लोकेशन निकाल पाएंगे, प्लस हमें और बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी जो हम आगे देखेंगे, इसीलिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी धरती के ऊपर, धरती मतलब जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब होता है हमारा, उसके ऊपर, ताकि हम धरती को और अच्छे से पढ़ सकें, अर्थ को और अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, इसीलिए। चलो ये हो गया, तो जो याद रखना है बच्चे, जो लेटी हुई लाइंस हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ये वाली जो है, ठीक है, और जो खड़ी वाली लाइंस हैं ये वाली जो है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं, ठीक है, याद हो गया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देख लेते हैं जो हमारे काम के हैं, ठीक है, जैसे कि जो जीरो डिग्री है, जो जीरो डिग्री लैटिट्यूड है उसको क्या बोलते हैं, जो जीरो डिग्री लैटिट्यूड है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत वृत्त। क्या बोलते हैं बच्चे जीरो डिग्री को, जो धरती को, जो कि गोल है, जो उसको बीचों बीच, बिल्कुल बीच से दो बराबर हिस्सों में काटे, जैसे ये है, मान लो, ठीक है, मान लो ये वाला है, ठीक है, ये अपनी धरती है, ठीक है, ये जो धरती को बिल्कुल बीचों बीच दो बराबर हिस्सों में काट दे, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत वृत्त। वेरी गुड, एक जैसे यहां से काटा इसको, तो एक हिस्सा ये वाला हो गया और एक हिस्सा ये वाला हो गया। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। यदि हम इसी धरती को, यदि हम ऐसे बीच के दो हिस्सों में काटें, यदि अब हम इसे ऐसे दो हिस्सों में कर दें, ऐसे, यदि अब हम इसे ऐसे दो बराबर हिस्सों में काट दें, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, यदि हम इसको अब ऐसे दो हिस्सों में काट दें, तो ये वाला जो हिस्सा है,
ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि अब ये कौन सी साइड है बताओ, अब ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, यस ये कौन सी साइड है, ये है बच्चे वेस्टर्न साइड, तो अब इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, और ये ईस्ट की साइड है तो इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी। ठीक है, तो हो गया उत्तर दक्षिण, यदि यहां से काटा है तो पूर्व पश्चिम। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, बाकी ये हम डिटेल में भी देखेंगे जब हम दोबारा। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया इक्वेटर विषुवत वृत्त, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसके अलावा जो दूसरी अक्षांश रेखा है जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा कितने पे है? कर्क रेखा है 23.5। देखो अब समझ में आएगा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है जो बीच से काट रही है विषुवत रेखा, उसके ऊपर वाली साइड। ठीक है, उसके ऊपर वाली साइड, तो ये कौन सी हो गई? जो इसके ऊपर वाली साइड है, ये वाली जो 23.5 पे है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, यदि इसके नीचे वाली साइड देखे 23.5, इसको बोलेंगे मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। यस यस, बिल्कुल, देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है टीनू, बस ये तो नमस्ते का बुरा मान जाता है, बाकी पढ़ता अच्छा है ये। मैम प्लीज प्लेलिस्ट बनवा दीजिए अपनी क्लास की, बनवा देंगे भाई प्लेलिस्ट। पहले ये बताओ यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 उत्तर वाली साइड को बोलते हैं कर्क रेखा, दक्षिण वाली साइड को बोलते हैं मकर रेखा। 66.5, 66.5 डिग्री, 66.5 वाली उत्तर को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत, और 66.5 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव व्रत। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और जो 90 डिग्री पे आता है बिल्कुल टॉप पे और बिल्कुल नीचे, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलो वेरी गुड। सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दो जल्दी से, और अभी भी कल जितने बच्चे नहीं जुड़े कहाँ हैं, बुला के लाओ सबको। यहाँ लिखे हुए हैं यार, इंग्लिश नेम यहाँ लिख रखे हैं, हिंदी नेम यहाँ लिख रखे हैं, सारे नेम लिखे हैं मैंने, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखे हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ठीक है, आप फिर से देखते हैं, 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत व्रत, 23.5 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, 66.5 को उत्तरी विषुवत उत्तर ध्रुव व्रत, और दक्षिण ध्रुव व्रत यानी कि आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। चलो यहाँ तक हो गया क्लियर, अब आगे आते हैं। अब एक और चीज़ पता करते हैं छोटी सी, कि धरती जो है, अपनी जो अर्थ है वो दो तरीके से घूमती है। ठीक है, अपनी जो अर्थ है बच्चे वो दो तरीके से घूमती है। एक तो होता है जैसे मान लो ये धुरी है, ये एक्सिस है अपना, धुरी है, एक अपनी धुरी पे घूमना। ठीक है, एक अपनी धुरी पे घूमना, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जो अपनी धुरी पे घूमती है उसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन यानी कि रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। जैसे कि तुम अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमने लग जाओ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे घूर्णन। क्या बोलेंगे? घूर्णन। क्या कह रहे हो गौतम कुमार भाई, तुम्हारे कमेंट पे भी ध्यान देंगे, बताओ। जल्दी बताओ। ठीक है, तो क्या करते हैं? घूर्णन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया घूर्णन, अपनी ही एक्सिस पे घूमना बच्चे। क्या हो गया? घूर्णन, अपने ही एक्सिस पे घूमना घूर्णन हो गया। ठीक है, दूसरा होता है परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन। एक होता है रोटेशन, जब अपने ही एक्सिस पे कोई चीज़ घूमती है, ठीक है, अपनी धुरी पे जब कोई चीज़ घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन।
ठीक है। दूसरा होता है रिवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन, परिक्रमण। तो परिक्रमा याद है, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हम परिक्रमा करते हैं, तो मंदिर में बीच में मूर्ति रखी होती है और उसके चारों तरफ हम लोग परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया परिक्रमण, जब तुम किसी और चीज के चारों तरफ घूमते हो उसको बोलते हैं परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन, ठीक है। तो परिक्रमण को परिक्रमा से याद रखना है, जैसे ये सन है, ये अपना सूरज है और इसके चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं, जितने भी अपने प्लैनेट्स हैं बच्चे वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। चलो अब पता चल गया। अब जो घूर्णन है हमारा, जो घूर्णन है इसकी वजह से क्या बनते हैं, इसकी वजह से बनते हैं डे और नाइट। जो घूर्णन है इसकी वजह से बनते हैं दिन और रात। क्या बनते हैं इसकी वजह से? दिन और रात, ठीक है, इसकी वजह से बनते हैं दिन और रात। अब जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा, क्योंकि धरती घूमने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे लेती है ऑलमोस्ट, तो जो हिस्सा सन सूरज की तरफ होगा, जो साइड सन की तरफ होगी, वहाँ पे क्या होगा बच्चे, वहाँ पे होगा दिन, और जो उसकी दूसरी साइड है वहाँ पे होगी रात, ठीक है। फिर वो घूम के आगे पहुँच जाएगा, फिर वहाँ दिन हो जाएगा और दूसरी तरफ रात हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है, रोटेशन की वजह से बनते हैं हमारे पास दिन और रात, ठीक है। अच्छा, रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ये सन है और इसके चारों तरफ ये धरती घूम रही है, तो ये जो परिक्रमण है, परिक्रमण की वजह से बनते हैं सीजन्स, जो हमारे मौसम होते हैं ना, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत, जो हमारे चार मौसम होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, यानी कि सर्दी, गर्मी, बसंत और पतझड़, ये जो चारों मौसम होते हैं ये बनते हैं हमारे रिवोल्यूशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, ये होते हैं रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ये बेसिक था, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आते हैं एटमॉस्फेयर पे, यहाँ से हमारी कोर क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से सीजन्स हो गए, ऋतुएं हो गई, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, एक या शायद एक बच्चा कोई कमेंट कर रहा है कि मैम ये तो आप बेसिक बता रहे हो, ये सबको पता है, सबको नहीं पता, ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं है, सबको पता है, और मैं बेसिक बताऊंगी, यदि मैं बेसिक नहीं बताऊंगी तो ऊपर वाला नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक बार और सुन लो यार, तुम्हें तो पता ही है, एक बार और सुन लो, ये सोच लो कि अरे मुझे तो आता ही है, ठीक है। द चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, बच्चे वो चेंज होता है जो अपने एक्सिस पे जो अर्थ झुकी हुई है उसकी वजह से, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम अपना जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे। यहाँ पे बताने का पर्पस ये था कि ये एटमॉस्फेयर में वायुमंडल पढ़ते टाइम जहाँ जहाँ भी ये यूज में आएगा, इसीलिए बताया, इसको दोबारा डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी की, वायुमंडल की, सबसे पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ वायुमंडल होता क्या है, जल्दी से बता दो, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज वायुमंडल, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है, बताओ व्हाट इज एटमॉस्फेयर। जल्दी बता दो, जल्दी से बताओ बच्चे, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है क्या, जो हम इतना सुनते हैं एटमॉस्फेयर में ये हो रहा है, एटमॉस्फेयर में वो हो रहा है, जल्दी से बताओ कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, जल्दी से बताओ एटमॉस्फेयर क्या होता है। कलेक्शन ऑफ गैसेस, वेरी गुड, नाइस, एक ने कहा कलेक्शन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का जो इकट्ठा होना होता है, जो हम गैसेस को इकट्ठा कर देते हैं उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एक ने बोला है जो एयर सराउंड्स द अर्थ, वो जो धरती के, जो हवा है धरती के आसपास की, जो अर्थ को घुमा, जो अर्थ के चारों तरफ है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एक ने कहा मिक्सचर को, यानी कि हवाओं के मिश्रण को कहते हैं, ठीक है। इसने कहा है मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो यहाँ से यस देखो, तो आप सबने, जो सबने जवाब दिया वो बिल्कुल सही है कि जो मिश्रित, जो गैसों का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। पर या क्या ये डेफिनेशन पूरी सही है? नहीं, क्या कमी है? देखो, तुमने कहा कि जो मिश्रण है, गैसों का जो मिश्रण है, गैसों का जो मिक्सचर है, उसको कहते हैं वायुमंडल। क्या ऐसा है? यदि ऐसा हो तो लो, मैं आपको 1 किलो नाइट्रोजन दे देती हूँ और मैं आपको 1 kg ऑक्सीजन दे देती हूँ और दोनों को मिश्रित करके बना दो, क्या वो एटमॉस्फेयर बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या कमी है इसके अंदर? गैसों का मिश्रण तो है, कलेक्शन है, मिक्सचर है गैसेस का,
ठीक है, कलेक्शन तो है गैसेस का, लेकिन ऐसा कलेक्शन नहीं है, कैसा कलेक्शन है, ऐसा मिश्रण है गैसों का कि जब उसे मिक्स करें, जब हम उसे मिक्स करें तो उसका जो कंपोजिशन होगा, जो उसकी रचना होगी वो होमोजीनस होनी चाहिए, जो उसकी रचना होगी वो होमोजीनस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए अभी बताते हैं। तो जब हम इन्हें गैसेस को मिक्स करेंगे, जब हम इन गैसेस को मिक्स करेंगे तो हमारा जो मिश्रण होगा ना वो इस तरह से मिश्रित होना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि ये पूरी एक ही गैस है। कैसा लगना चाहिए बच्चे? कि ये पूरी एक ही गैस है। अब जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ मैं जिस वक्त खड़ी हूँ, जहाँ तुम लोग बैठे हो, जहाँ बैठ के क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ जहाँ तुम बैठे हो उसके तुम्हारे चारों तरफ गैस है, सबको पता है कि तभी तुम सांस ले पा रहे हैं। पर क्या तुम उसे देख पा रहे हो? क्या तुम गैस को देख पा रहे हो? ठीक है, नहीं देख पा रहे। तो कैसी होती है गैस? गैस होती है अपनी जो चारों तरफ जो गैस है बच्चे, जो तुम देख पा रहे हो यही एटमॉस्फेयर है, लेकिन ये दिख नहीं रही क्योंकि ये कलरलेस है। कैसी है? कलरलेस, यानी कि रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं है, यानी कि कैसी है? रंगहीन है। ठीक है बच्चे, इसीलिए आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये जो गैस है होमोजीनस का मतलब बताती हूँ पंकज, एक सेकेंड रुको बच्चे, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो ये कैसी है? ये रंगहीन है। कैसी है? रंगहीन। ठीक है, दूसरा क्या है? क्या तुम स्मेल कर पाते हो? क्या तुम गैस को, जो नॉर्मल जो साफ गैस हो, जो हवा होता है एटमॉस्फेयर में, जो हवा है बच्चे, उसे हम स्मेल नहीं कर सकते? यदि स्मेल आ रही है तो किसी और चीज़ की आ रही है, यदि आपको खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है वो किसी और चीज़ की आती है, वो गैस के अंदर नहीं है, वो हवाओं में नहीं है। ठीक है, वो हवाओं में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसी होती है? ये स्मेल कलरलेस ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन होती है, इसके अंदर कोई गंध नहीं होती। कैसी होती है? गंधहीन, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, गंधहीन होती है, कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। और तीसरी होती है टेस्टलेस। कैसी होती है बच्चे? टेस्ट, टेस्ट मतलब हम कहते हैं ना खाना बहुत टेस्टी बना है, टेस्ट मतलब स्वाद, तो ये स्वाद रहित होती है। कैसी होती है? स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ना हो, स्वादहीन। ठीक है, स्वादहीन, ठीक है, तो स्वादहीन होती है। कैसी होती है? फिर से देखो, ये रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, स्वादहीन होती है मतलब टेस्टलेस होती है, और इसमें कोई स्मेल नहीं होती, गंधहीन होती है मतलब ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, समझ में आया? ये जो तीनों होती हैं, इसका जो मिश्रण है इसको ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं बच्चे? वायुमंडल। ठीक है, अब इसको ही हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, एक मैंने वर्ड यूज किया था होमोजीनस, होमोजीनस। ठीक है, होमोजीनस का मतलब होता है समरूप, समरूप, समरूप मतलब, समरूप मतलब इनकी जो रचना है, इनका जो कंपोजिशन है, समझो बच्चे, इनका जो कंपोजिशन है, हवा का जो कंपोजिशन है, हवा की जो रचना है, हवा की जो रचना है वो सेम रहती है। हवा का जो कंपोजिशन है, हवा की जो रचना है वो सेम रहती है। ठीक है, जैसे कि यदि आप यहाँ पे धरती के बिल्कुल पास, यदि आप एक, जैसे आप मान लो आपने एक लीटर ऑक्सीजन ले ली, यदि आप उसको निकालोगे तो उसके अंदर 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगी, 21% के आसपास ऑक्सीजन मिलेगी, आर्गन मिलेगी, जो हम अभी देखने वाले हैं, ये यहाँ पर इतनी मिलेगी। जब आप 3-4-5 किलोमीटर ऊपर जाके भी लोगे एक लीटर गैस और उसमें भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको 78% नाइट्रोजन मिलेगी, 21% ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये सेम मिलती है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम मिलती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि जो इसकी रचना है, जो हम अभी देखने वाले हैं एक मिनट में, इसकी जो रचना है वो समरूप है। तो यदि रचना समरूप है तो हम उसे वायुमंडल बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे? वायुमंडल। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? उसी को हम बोलेंगे वायुमंडल। अब ये जिस रचना की हम बात कर रहे हैं, जिस कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, अब इसको देखते हैं। तो यदि कोई तुमसे पूछे कि जो धरती है उसकी कितनी सतह है, जैसे जो लेयर्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, वायुमंडल की बताओ कितनी लेयर्स हैं, बताओ वायुमंडल की कितनी लेयर्स हैं, जल्दी से बताओ मुझे,
वायुमंडल की कितनी लेयर है? ठीक है, बताओ कितनी लेयर है? एटमॉस्फेयर क्लियर हुआ सभी को? एटमॉस्फेयर है बच्चे मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें ना रंग है ना स्वाद है, जिसमें ना कोई गंध है, ठीक है। और यदि तुम्हें रंग दिख रहा है तो मतलब वो पोल्यूशन है। जैसे तुम लोग दिल्ली में कभी आओगे तो तुम देखोगे कि दिल्ली की जो हवा है वो बहुत धुंधली दिखती है। कैसी दिखती है? धुंधली दिखती है, बहुत ही हेजी दिखती है। कैसी दिखती है? हेजी। जो दिल्ली की हवा है वो आपको धुंधली दिखती है, हेजी दिखती है। हेजी दिखती है तो वो क्यों दिखती है बच्चे हेजी? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन है, प्रदूषण की वजह से दिखती है। यदि आप कभी भी यमुना के ऊपर से जाओगे तो आपको हवा में स्मेल आती है, स्मेल। तो आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था हवा में कोई गंदी नहीं होती, वो पोल्यूशन है। जहां भी यदि आपको रंग दिख रहा है या आपको स्मेल आ रही है, ठीक है, या आपको कल जो दिखता है वो पोल्यूशन है उसके अंदर, ठीक है, वो पोल्यूशन है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कितनी लेयर्स हैं, कोई बोल रहा है चार है, कोई बोल रहा है पांच है। यस बच्चे, ये क्लास डेली होगी, इसी टाइम पे होगी। मैम ये तो केजी में होता है ना? याशीन अजमेरी भाई, कौन से स्कूल में गए थे जिसमें केजी में पढ़ाते हैं ये? कौन से स्कूल में जाते हो यार जिसमें केजी में पढ़ा देते हैं? होमोजीनस, हिट्रोजीनस, सममंडल, विषममंडल, मेरे को भी बताओ यार। अच्छे से पढ़ लो, कुछ नहीं रखा ये। मैं उधर बैठ के मैं भी इससे अच्छे कमेंट लिख सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प के लिए हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने तो यही पढ़ के क्लियर करा था और शायद तुम लोगों का भी हो जाएगा यदि अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। ठीक है, तो देखो जैसे कि इसको बोलते हैं सममंडल और विषम। तो मैंने पूछा कितनी लेयर्स होती हैं, तो किसी ने कहा चार होती हैं, किसी ने कहा पांच होती हैं, ठीक है, किसी ने चार, किसी ने पांच। बच्चे आपको ये पूछना है कि मैम किस बेसिस पे, जब भी मैं आपसे पूछूं, जब भी कोई आपसे पूछे कि इसको क्लासिफाई करो, कोई तुमसे पूछे कि भाई ये तुम्हारा वायुमंडल है, इसकी लेयर्स बताओ, इसको क्लासिफाई करो, तो आपको पहला क्वेश्चन हमेशा ये पूछना है कि किस बेसिस पे करें भाई। जैसे कोई तुमसे बच्चे बताओ कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम बोलोगे ना किस बेसिस पे, मेंस वियर है, विमेन वियर है, बच्चों के लिए अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग होता है, ये एक तरीका है। दूसरा होता है कैजुअल क्लोथ्स, फॉर्मल क्लोथ। तीसरा होता है शादी वाले कपड़े। तो तुमसे कोई पूछेगा ना कि जब तुमसे कोई पूछे कि इसको क्लासिफाई करो, तो आपको हमेशा ये बोलना है कि किस बेसिस पे करना है, ठीक है, किस बेसिस पे करना है, ठीक है, किस बेसिस पे करना है। ये सबसे पहले पूछो कि मैम जो आप पूछ रहे हो वो कौन से बेसिस पे पूछ रहे हो। अब बात करेंगे बेसिस की। तो पहला हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे, पहला जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम करेंगे रचना के आधार पे, यानी कि कंपोजिशन के आधार पे। पहला जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो करेंगे बच्चे कंपोजिशन के आधार पे। किसके आधार पे? कंपोजिशन, ठीक है। अब जो बहुत सारी किताबें होती हैं वहाँ पे ये नहीं लिखा होता, जो बहुत सारी अपनी देसी किताबें हैं वहाँ पे जिसको जितनी लेयर पता है, लोगों ने चार लेयर, पांच, छः सब बता दी। आज समझना है एग्जैक्ट कितनी लेयर होती है और यूपीएससी आपसे कौन से तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे कि कौन सी लेयर होती है, ठीक है। चलो देखो, कंपोजिशन के बेस पे यानी कि रचना के आधार पे, ठीक है, कंपोजिशन के बेस पे यानी कि रचना के आधार पे। रचना के आधार पे बच्चे दो होते हैं, दो लेयर्स होती हैं। पहली होती है जिसको हम बोलते हैं होमोजीनस लेयर, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनस लेयर। दूसरी होती है हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस लेयर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब है, आप देखोगे होमोजीनस का मतलब है हमारा कौन सा मंडल है, समरूप मंडल, ठीक है। ये होता है समरूप परत, समरूप, और ये होती है विषमरूप, 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 ठीक है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, समरूप और विषमरूप। लेयर्स को कहते हैं बच्चे परतें, लेयर मतलब लेयर बाय लेयर, लेयर का मतलब होता है परत, क्या बोलते हैं परत, और लेयर्स को बोलते हैं परतें, ठीक है। जो आपकी परत होती है, एक परत, दो परत, तीन परत, तो उनको हम लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो दो हो गए, सममंडल विषम मंडल, समरूप मंडल विषम रूप मंडल। यानी कि समरूप मतलब जहां पे जो रचना है वो समान होगी, यानी कि जैसे मान लो ये यहां पे धरती है और ये हमारा जो वायुमंडल है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। मान लो ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारी धरती है और ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो समरूप मंडल का मतलब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जो रचना है हवा की वो
और यहाँ पे जो रचना है वो ये सेम होगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रचना है और यहाँ पे जो रचना है वो सेम होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यदि यहाँ पे हमें 78% नाइट्रोजन मिल रही है और 21% ऑक्सीजन मिल रही है तो यहाँ पे भी सेम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं होमोजीनस परत, समरूप परत, होमोजीनस। और हिटरोजीनस होती है जहाँ पे ये हमें एक जैसी ना मिले, जो हम अभी एक मिनट बाद देखेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं होमोजीनस परत की, समरूप परत की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समरूप परत की, तो उसका कंपोजिशन कैसा होगा। ये जो हम कंपोजिशन बचपन से पढ़ते आए हैं ये होमोजीनस लेयर का कंपोजिशन है। किसका कंपोजिशन है, किसकी रचना है बच्चे, ये जो रचना है ये है समरूप परत की। तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। कितने परसेंट होती है, 78%। 78% जो है हमारी जो हवा है उसके अंदर क्या होती है बच्चे, उसके अंदर होती है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद जो हमारी दूसरे नंबर पे है वो है ऑक्सीजन। क्या है हमारी ऑक्सीजन, जो कितनी होती है, लगभग 21% के आसपास होती है। कितनी होती है, ऑलमोस्ट 21%। कितनी होती है बच्चे, 21%। ठीक है, उसके बाद बताओ तीसरे नंबर पर कौन सी गैस होती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि हम इतनी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, बट याद रखना है तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। कौन सी होती है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे होती है बच्चे आर्गन। कौन सी होती है, आर्गन, जिसको आर्गन। तीसरे नंबर पे कौन सी गैस होती है, आर्गन। आर्गन होती है 0.93%। देखो गलत लिखा है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती 0.3। ठीक है, उसके बाद होती है आर्गन, उसके बाद चौथे नंबर पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन से नंबर पे आती है, फोर्थ नंबर पे। चौथे नंबर पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, रूही बच्चे गलत लिखा है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। 0.04%। अब आप लोग कहोगे मुझसे कि मैम हमने तो बचपन से 0.03 पढ़ा है, यही पढ़ा आपने बचपन से कि 0.03 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखी जाती है CO2। ठीक है, तो आप लोग मुझे कहोगे कि मैम हमने तो बचपन से पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03, तो आप 0.04 क्यों बता रहे हो, क्योंकि बच्चे ये अभी बढ़ गई है। जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे एनवायरनमेंट का तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल बहुत सारों ने सही बताया है, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है हमारे वायुमंडल में वो बढ़ के 0.04 हो गया है। कितना हो गया है, 0.04। पहले ये होती थी 0.038। तो ये थोड़ी सी बढ़ गई है अब और ये हो गया 0.04%। ये हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कौन सी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मिलती है बच्चे नियोन। कौन सी मिलती है, नियोन। ये जो कलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो कलर दिख रहा है आपको हरा हरा, ये जो हरा रंग होता है चमकीला, जो माउंटेन ड्यू का कलर होता है, याद है ऋतिक रोशन की एड, डर के आगे जीत है। तो वो जो नियोन कलर होता है, ये गैस है नियोन। एक नियोन जो है ये गैस है, ये पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। पहली नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी आर्गन, चौथी कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवी है नियोन। नियोन कितनी है बच्चे, नियोन है 0.01018%। ठीक है, तुम्हें ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पांचवें नंबर पे नियोन आती है। ठीक है, पांचवें नंबर पे नियोन आती है। ठीक है, नियोन। अच्छा, छठे नंबर पे आती है, फिर नियोन के बाद छठे नंबर पे हमारे पास आती है हीलियम। कौन सी आती है, हीलियम, हीलियम गैस, हीलियम। ठीक है, ये आती है छठे नंबर पे, और सातवें नंबर पे फिर बाद में हाइड्रोजन भी आती है। ठीक है, हाइड्रोजन भी आती है। ठीक है, मैम इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा कभी, किसके बारे में, बिल्कुल डर के आगे यूपीएससी है, और जिस दिन तुमने डर पा लिया बच्चे लाइक कर दो यार जल्दी से सेशन को। ठीक है, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
और जिन्होंने कर रखा है वो क्लास पे ध्यान दे, ठीक है। तो अब तुमसे यदि यूपीएससी पूछेगा, जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा था 2011-12 के आसपास पूछा था, उन्होंने अरेंज करने को दिया था, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद है नियोन, नियोन के बाद है हीलियम, और हीलियम के बाद है ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन, हीलियम के बाद है हाइड्रोजन, ठीक है। चलो ये वाली हो गई सारी, ये इसी तरह याद रखनी है। ये जो गैसेस जो हमें ऐसे मिलती है ना, इसी को हम बोलते हैं समरूप मंडल, यहीं पे समरूप मंडल में ये हमें ऐसी ही मिलती हैं। जब तुम गैस को लोगे, जो अभी आप हमारे आसपास जो गैस है बच्चे, उसमें ये सब ऐसी ही हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब है, ठीक है। हम 10 किलोमीटर ऊपर जाकर देखेंगे तो भी ये ऐसा ही है, ठीक है, तो भी ये ऐसी ही है, ठीक है। यदि आप 10 किलोमीटर ऊपर जाके देखोगे, 20 किलोमीटर ऊपर जाके देखोगे, तो ये ऐसा ही है। इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, समरूप मंडल, होमोजीनस लेयर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनस। अब यदि मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, जैसे मान लो ये धरती है, ये 0 किलोमीटर है, और ये इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, तो 80 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से लेके बच्चे 80 किलोमीटर तक हमारा जो है ये क्या है, समरूप मंडल। क्या है ये, समरूप मंडल, समरूप परत है, यानी कि क्या है, हमारी होमोजीनस लेयर है। क्या है, होमोजीनस लेयर, ठीक है, होमोजीनस लेयर, यानी कि आप कहीं से भी गैस उठा लो, आप यहां से उठा लो, आप यहां से गैस उठा लो, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, आपको गैस में यही कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है। फिर मैम ये ऊपर कम क्यों हो जाती है, ऊपर मैं बताऊंगी कम क्यों हो जाती है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक तो ये ऐसी ही है, इसको हम बोलते हैं समरूप मंडल या होमोजीनस लेयर। 80 किलोमीटर के बाद क्या होता है, 80 किलोमीटर के बाद ये हमें मिलती है अलग अलग लेयर्स में, 80 किलोमीटर के बाद ये मिलती है हमें अलग अलग लेयर्स में। जो सबसे पहली इस वाले को बोलते हैं, जो 80 किलोमीटर के बाद है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस लेयर। कौन सी परत बोलते हैं, विषम रूप, कौन सी बोलते हैं, विषम रूप परत, ठीक है। इसको विषम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो सबसे पहली परत है बच्चे, ये वाली यहां पे सबसे पहली जो परत है, इसमें तुम्हें सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगी। क्या मिलेगी, नाइट्रोजन, इसमें हमें सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगी, ठीक है, नाइट्रोजन मिलेगी, ठीक है। एक और कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें हमें सिर्फ क्या मिलेगी, नाइट्रोजन। जो दूसरी परत है इसके बाद, इसमें हमें मिलेगी ऑक्सीजन, इसमें हमें ज़्यादातर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। जो पहली वाली लेयर है उसमें हमें मिलेगी नाइट्रोजन, जो दूसरी लेयर है उसमें हमें मिलेगा ऑक्सीजन। जो तीसरी लेयर है इसके बाद, ये वाली जो लेयर है इसके बाद जो तीसरी लेयर आती है, इसमें हमें मिलेगा हीलियम। क्या मिलेगा, हीलियम। और जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी इसके बाद, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसमें हमें मिलेगा, यहाँ पे जो लेयर होगी उसमें हमें मिलेगा हाइड्रोजन, उसमें हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी मिलेगी हमें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हीलियम, और हीलियम के बाद हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम के बाद हाइड्रोजन। और ये अच्छे से पढ़ लो, ऐसे का ऐसा मिलेगा एग्जाम में, फिर कहोगे कि अरे मैम ने पढ़ाया था, हमने शायद ध्यान नहीं दिया। तो ये हो गई, ये वाली जो हमारी लेयर है इसको हम बोलते हैं समरूप मंडल यानी कि होमोजीनस लेयर, और इसको हम बोलते हैं विषम रूप यानी कि हेट्रोजीनस लेयर। ये एक तरीका है इसको क्लासीफाई करने का, ठीक है, ये हमारे वायुमंडल को क्लासीफाई करने का एक तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरीका, ये हो गया एक, अब देखते हैं इसको क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका, ठीक है। अच्छा एक और चीज बतानी है, एक सेकेंड, एक और चीज है होमोजीनस लेयर के बारे में, एक और चीज है होमोजीनस लेयर के बारे में, ये दोबारा भी आएगी। यदि कोई भी गैस यहां रिलीज होती है, हम सब यहां रहते हैं धरती पे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चिमनी लगी है, कोई इंडस्ट्री है, या आपका घर है जैसे मान लो, ठीक है, सारे सब हम सब लोग धरती पे रहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी गैस यदि निकलती है, कोई भी प्रदूषण पोल्यूशन यदि निकलता है किसी भी इंडस्ट्री से, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री से यदि कोई भी पोल्यूशन निकलता है, तो वो क्या होता है, वो पूरे में फैल जाता है। वो क्या होगा बच्चे, वो पूरे समरूप मंडल में, पूरे होमोजीनस लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है।
वो पूरे में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, वो पूरे में फैल जाएगा। इसीलिए यदि इसीलिए जब इंग्लैंड में, पहले जब इंग्लैंड था वहाँ पे जब क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था वहाँ पे जब क्रांति आई थी, या फिर जैसे मान लो यूएस है, यूएस में जब क्रांति आई थी, और इन लोगों यदि यहाँ पे कोई भी देश में, भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ठीक है, ब्रिटेन हो, कोई भी कंट्री, यदि वहाँ पे कोई भी पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है, कोई भी इंसान प्रदूषण कर रहा है, तो वो प्रदूषण बच्चे पूरे में फैल जाएगा, पूरी होमोजीनस लेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, इक्वली फैल जाता है, ठीक है। जब हम एनवायरनमेंट में, जब हम सारी ये पढ़ेंगे, कन्वेंशन पढ़ेंगे, जितने भी अधिनियम आए, जैसे कि हमारी मॉन्ट्रियल की ट्रीटी आई, वियना की ट्रीटी आई, ठीक है, क्योटो की ट्रीटी आई, ये सब जब हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगी कि इन सबको शुरू में पोल्यूशन फैलाया किसने था, अमेरिका ने, यूएसए ने करा था पोल्यूशन, ब्रिटेन ने यानी कि इंग्लैंड ने किया था पोल्यूशन, लेकिन ये सब जगह है अब, क्योंकि इन्होंने होमोजीनस लेयर में किया था, समरूप मंडल में किया था, तो सब जगह फैल गया। अब पोल्यूशन देखो, पोल्यूशन हो कहाँ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले बताया था होमोजीनस का मतलब है इक्वल कंपोजिशन। अब जैसे मान लो यूएस, उस वक्त जो बाकी कंट्रीज थी वो गरीब थी, अब जैसे मान लो यूएस ने कोई बड़ी सी फैक्ट्री लगाई है यहाँ पे, और यहाँ से निकल रहा है पोल्यूशन, तो ये जो पोल्यूशन यहाँ से निकल रहा है ये पूरे में फैल जाएगा, धीरे 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 ये सब जगह फैल जाएगा। अब यहाँ पे कोई हमारा देश है, जैसे इंडिया है या कोई और कंट्री है, तो ये उनकी हवा में भी आएगा, उन्होंने करा नहीं है बिचारों ने, बट ये उनकी हवा में भी मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये जो है ये खूबी है इसकी, होमोजीनस लेयर की, समरूप मंडल की, कि यदि आप एक जगह करोगे तो वो पूरे में फैल जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गया समरूप, ये याद रखना है। पूरी जितनी भी हमारी ट्रीटीज होती हैं, जितनी भी हम अधिनियम पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, संधियां पढ़ेंगे, हम इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया ये वाला, अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा होमोजीनस और हिट्रोजीनस। अब इसके बाद बात करते हैं एक एक गैसेस की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे नाइट्रोजन की। चलो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% है। मैम जब होमोजीनस में हमारे घर की कोई पोल्यूशन फैलेगा तो उसका हेट्रोजीनस में क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे होमोजीनस वाला होमोजीनस में ही रह जाता है, ठीक है। यदि आपके घर में कोई पोल्यूशन कर रहा है तो वो पड़ोसी घर में पहुंच जाएगा एक दो दिन में, और फिर पड़ोसी से गाँव के घरों में, और फिर गाँव के घरों से पूरे दुनिया के घरों में, ठीक है। पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में पोल्यूशन डाल रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, तो सबसे पहली है नाइट्रोजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रोजन का क्या काम है, जो हमारी है नाइट्रोजन जो 78% मिलती है, तो जनरली सबसे ज़्यादा यही गैस मिलती है, पर ये सबसे कम चर्चा में रहती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, वो सिर्फ कितनी है, 0.04 के आसपास है, पर वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, मतलब तहलका मचा रखा है उसने पूरा एनवायरनमेंट। हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब छोटी सी गैस है, इतनी सी और तबाही मचा रखी है देखो इसने। और जबकि हमारी नाइट्रोजन जो है वो 78% है, कितने परसेंट है, 78, उसके बाद भी हम लोग इसके बारे में इतना नहीं पढ़ते, क्योंकि ये कैसी है, ये बच्चे इनर्ट गैस है। कैसी है, इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय गैस, यानी कि ऐसी गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ऐसी गैस जो किसी से कोई मतलब नहीं है। क्लास में बच्चे कुछ कमेंट करते रहे, एक ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करने आए, वो पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ऐसी वाली जो गैस होती है, इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। और यही वाले बच्चे होते हैं, जब इनकी रैंक आएगी ना, तो ये बच्चे जो क्लास में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे, जो सिर्फ बकवास करने आते हैं, ये बच्चे फिर इन्हीं से जाके बोलेंगे कि ये हमारे साथ पढ़ता था, हमें तो पता ही नहीं था इसका निकल जाएगा। निकलेगा ही, जब तुम लोग ये बाकी सब ये कर रहे थे तो वो इंसान बैठ के पढ़ रहा था, समझो। तो कैसा है, इनर्ट गैस, जो किसी के साथ, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अक्रिय है। तो जो हमारी नाइट्रोजन है ये अक्रिय है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, शांत रहती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसी का परसेंटेज मिलता है हमारे एटमोसफेयर में, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो नाइट्रोजन है, इसके अलावा इसका क्या काम है बच्चे, सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है कौन सी, ऑक्सीजन।
जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हमारी जो सेकेंड नंबर की गैस है ऑक्सीजन, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिय गैस है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसी है? रिएक्टिव। आपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा ना कि मुझे नहीं पता था वो इतना बुरा रिएक्ट करेगा, मुझे नहीं पता था कि मैं उसे बताऊंगा और वो ऐसे रिएक्ट करेगी, मुझे नहीं पता था कि मैं उसे जाके बोलूंगा और वो थप्पड़ मार देगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जो किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, वैसी है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, अब जैसे घर में एक बड़ा आदमी होता है, जैसे एक बड़ा भाई है मान लो और एक छोटा भाई है, या आपके पापा हैं और आप हो, तो जो आपके पापा हैं जो बिल्कुल लड़ाई वड़ाई नहीं करते, ठीक है, वो है हमारी नाइट्रोजन। और एक या तो आपका छोटा भाई है, एक होता है जो बहुत शरारती बच्चा होता है जिसको सबसे ज़्यादा लड़ाई करनी होती है। ठीक है, तो ये जो बड़ा है ये इस छोटे वाले को लड़ाई करने से रोक लेता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हर बार रोक लेगा, बट जो नंबर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर है ठीक है, जो नंबर है वो जो क्या है, ये जो नंबर ऑफ रिएक्शन है, जैसे मान लो ये छोटा बच्चा, मान लो तुम्हारा छोटा भाई है और ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है, ये बहुत लड़ाइयाँ करता है, तो कम से कम यदि ये 50 बार लड़ता था तो अब इसकी वजह से ये जो लड़ना है ये सिर्फ 20 बार रह जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन दूसरा क्या करती है बच्चे, नाइट्रोजन क्या करती है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है मैम, अक्रिय गैस नाइट्रोजन को, बच्चे आर्गन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, ज़ेनोन भी है, आर्गन भी है, ज़ेनोन भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नाइट्रोजन भी है। ठीक है, ठीक है, इसको भी बोलते हैं, नाइट्रोजन को बोलते हैं, आर्गन को भी बोलते हैं और ज़ेनोन को भी बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है, ज़ेनोन को भी बोलते हैं बट नाइट्रोजन को भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये क्या करती है बच्चे, दूसरा नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीजन जो इतनी रिएक्टिव गैस है इसको क्या करती है, इसकी रिएक्शन को कम कर देती है, इसकी सक्रियता को थोड़ा सा कम कर देती है। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब ऑक्सीजन का बताओ क्या यूज़ है, ऑक्सीजन का बताओ फटाफट, ऑक्सीजन किस चीज़ में यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन किस चीज़ में यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, यस इट डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, चलो आसन करो, अनुलोम विलोम करो, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने में, किस में होती है, ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जिंदा हैं, जो सांस लेते हैं, वो सब किस लिए ज़िंदा हैं, ठीक है, वो सब किस लिए ज़िंदा हैं, वो सब ऑक्सीजन की वजह से ज़िंदा हैं, जितने भी हम जानवर हैं, इंसान हैं, सब सांस लेते हैं और सांस लेने की वजह से ही ज़िंदा हैं। मैम अगर आर्गन गैस 78% होगी तो फिर क्या होगा, यदि आर्गन 78% होगी तो आर्गन भी एक तरह से क्या है, आर्गन भी एक तरह से क्या है, इनर्ट गैस है, बट जिंदगी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती अर्थ पे, जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती अर्थ पे। क्यों नहीं होती, अभी एक मिनट में बताऊंगी, एक मिनट बची हुई अभी क्लास की, क्यों नहीं होती एक सेकंड में बताती हूँ। जो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ये 78% है बच्चे, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं है सिर्फ धरती ही ऐसी है जिसपे पानी है, ऐसा नहीं है कि हमारी धरती ही सिर्फ एक ऐसी है जिसपे पानी नहीं है, पानी है, सब पे है पानी, बट हमारी धरती पे किस रूप में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सब जगह ये कैसे फॉर्म में है, वेपर्स की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, वेपर्स की, भाप की फॉर्म में है, हमारी धरती पे ही ये सिर्फ किसकी फॉर्म में है, ये लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, और वो क्यों पॉसिबल है, वो नाइट्रोजन की वजह से पॉसिबल है, नाइट्रोजन की वजह से, किसकी वजह से पॉसिबल है, नाइट्रोजन की वजह से। यस बच्चे, आर्गन ही भरी जाती है, और बाकी यहाँ से कैसे पॉसिबल है ये कहानी हम कल करेंगे। ठीक है, ये कहानी हम कल करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस, पानी और बहुत जगहों पे है, जैसे मार्स पे जो है वो आइस की फॉर्म में है, जैसे कि हमारा सैटर्न है, और इन सब पे क्या है, वेपर्स की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, भाप की फॉर्म में है, सिर्फ धरती ही ऐसी है जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है, और इसीलिए यहाँ जो है ज़िंदगी संभव हो पाई। ऐसा क्यों हुआ ये हम कल समझेंगे कि इसमें नाइट्रोजन का क्या रोल है, और यदि नाइट्रोजन नहीं होती तो शायद जीवन भी संभव नहीं होता। देखो कितनी सारी चीज़ों की वजह से धरती पर जीवन संभव हुआ है, और आप लोग यहाँ पैदा हुए हो, ठीक है, और पढ़ाई करने की बजाय पता नहीं क्या ही कर रहे हो, तो ठीक है, यहाँ से प्लीज़ कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास को। चलो
कल मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और प्लीज़ क्लास को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को PDF मिल गई होगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, आप सभी को नमस्ते और कल मिलते हैं इसी टाइम पे। बच्चे प्लीज़ पढ़ लिया करो यार, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।